क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। ये गाना तो आपको याद ही होगा, मोहम्मद रफी का गाइड फिल्म का ये गाना भले ही उस जमाने में सुपरहिट रहा हो लेकिन इसका असली इस्तेमाल आज हुआ है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ। कंगना रनौत पर गलत टिप्पणी कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने तब खुद ही फंस गई है। पहले तो बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ खूब बयानबाजी हुई और अब तो खुद कांग्रेस ने भी उनको अच्छे से सबक दिया है। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत मेरा मुंह मत ताको तुम। बेचारी निकली तो थी कांग्रेस का साथ देने लेकिन खुद ही लाले पड़ गए उनके। कांग्रेस ने उस पर ऐसी सख्ती बरती कि उनका खुद का टिकट काट दिया। बताओ पार्टी ने सुप्रिया का उस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट काट दिया है जहां से वो उम्मीदवार के रूप में 2019 का चुनाव लड़ी थी। सुप्रिया ने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लड़ा था लेकिन वो भाजपा के पंकज चौधरी से हार गई। कांग्रेस ने इस बार श्रीनेत को हटाकर वीरेंद्र चौधरी को इस सीट से टिकट दे दिया है। लो जी, करने चली थी कांग्रेस का भला, यहाँ तो खुद का ही पत्ता कट गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो भाइयों, मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनी अभिनेत्री कंगना रनौत पर गलत टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भारी पड़ गया। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत की तस्वीर और अपमानजनक कैप्शन के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो आप? बेचारी इधर उधर सफाई देती फिर रही है, कहने लगी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोग हैंडल करते हैं, उन्हीं में से किसी ने पोस्ट डाल दिया होगा। बताओ ऐसा होता है क्या? अरे मैडम जी, किसको उल्लू बना रही हो? उल्टी पड़ गई ना बात, अब मांगो माफी। मेरा मुंह बंद कर गई, गई मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कहा? मुंह से निकल गया। लो सुन लो भाई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। बहन जी, ये जो आपने किया है ना, उसके बाद तो कंगना भी आपको माफ नहीं करेगी। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिच जाते हो। विपक्ष ने तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया है, अब भुगतो अंजाम। बात यहाँ रुक जाती तो भी ठीक था लेकिन ये खबर तो उड़ते उड़ते फुर से चुनाव आयोग तक पहुंच गई और उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है अब इनके खिलाफ। आइए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, हमें लेके चलिए, आइए बैठिए। अब बताइए सुप्रिया जी, क्या करेंगी अब आप भी? अब आप भी ये कहेंगी ना, मैदान में उतरेंगे तो खलबली मचा देंगे। मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा। वैसे एक बात तो है, खलबली तो मची हुई है। कांग्रेस की नैया तो वैसे ही डूबी हुई है, ना फंड है ना फेस, फिर भी गुमान है कि राहुल गांधी जीतेंगे रेस। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इधर केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं लेकिन अकड़ कम नहीं हुई है भाई। जाते जाते ये बोल गए हैं, देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में। खैर, कंगना का मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेहतर होगा कि विपक्षी नेता अपनी चुप्पी साध ले, नहीं तो पता नहीं चुनाव आयोग किन किन को कारण बताओ नोटिस जारी करता फिरेगा। हिंदू धर्म कहता है क्या? हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।